गाइस, दिस इज रूपा। वेलकम बैक टू माय चैनल इस्टी बिस्टी मोमेंट। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने अपने लिए फर्स्ट ट्राइपॉड विथ एलईडी रिंग लाइट ऑर्डर की थी, जो आज मुझे डिलीवरी हुई है। और उसे मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग भी नहीं की है, क्योंकि मैं आपके सामने ही उसे अनबॉक्स करूंगी और आपके साथ मैं सारी डिटेल शेयर करूंगी, फ्रॉम MRP टू इंस्टॉलेशन एंड उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट ट्राइपॉड है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मेरे पास एक छोटी वाली ट्राइपॉड थी, तो जब भी मैं सिटिंग वाली वीडियो जो भी शूट करती थी उसके लिए वो ठीक था, कंफर्टेबल था। लेकिन जब भी मैं कुछ स्टैंड और कुछ खड़े होके मैं कुछ शो करना चाहती हूँ या वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो क्या होता था ना, उससे उस छोटी वाली ट्राइपॉड को मुझे किसी हाई लेवल के टेबल पे मुझे सेट करना पड़ता था, और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी। बार बार आप सेट करो, फिर उसको क्लोजअप लो। तो मैं सोच रही थी चलो एक अपने लिए नया ऑर्डर कर लेती हूँ, और ये बहुत ही रिजनेबल है, चीप है, और बेस्ट तो अभी मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं आपके सामने इसको अनबॉक्स करूंगी, उसके बाद ही हमें क्वालिटी पता चलेगी, क्योंकि अभी तक मैंने उसको ओपन करके देखा भी नहीं है। तो चलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ मुझे इस टाइप की पैकेजिंग मिली है अमेज़न की तरफ से, जो मैंने ऑर्डर की हुई है। तो अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो ये अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब मैं ऐसी कुछ लाइटिंग टाइप की मैंने जब भी ऑर्डर की है अमेज़न से, तो उसकी जो बॉक्स पैकेजिंग होती है वो एकदम प्रॉपर बॉक्स में होती है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप कुछ लाइट आइटम है तो वो डैमेज होने का चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसमें मेरी रिंग लाइट भी है, तो मुझे पता नहीं उसका अभी सिचुएशन अंदर में कैसा है, बट अगर पैकेजिंग की मैं बात कर रही हूँ तो पैकेजिंग अप टू द मार्क तो बिल्कुल नहीं है अमेज़न की तरफ से, एंड दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। तो बट स्टिल आई विल ओपन दिस पैक एंड लेट्स सी कैसा है प्रोडक्ट। तो चलिए हम इसे कट करते हैं। इसको मैं ठीक से स्टैंड भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बॉक्स नहीं है, तो मैं इसे अभी कट कर रही हूँ पैकेट को। चलिए अब इसमें देखते हैं मुझे क्या क्या मिली है। तो इसके अंदर एक ये लंबा सा बॉक्स है, आई गेस ये हमारा स्टैंड होगा, क्योंकि इसको देख के ही लग रहा है ऐसे ये हमारा स्टैंड है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज नेक्स्ट, सो देयर इज वन मोर बॉक्स, ये हमारी एलईडी लाइटिंग है, रिंग लाइट। इसके साथ मुझे इसके साथ और कुछ भी नहीं है बॉक्स के अंदर। तो चलिए हम अपनी फर्स्ट बॉक्स को ओपन करते हैं, जो हमारा स्टैंड है, और देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या मिली है। इसको हम साइड पे रखते हैं। तो ये रहा हमारा स्टैंड, और इसके साथ मुझे ये स्कूप भी मिली है। इसको हम बाद में देखेंगे इसको हम कहाँ पे सेट कर सकते हैं, फर्स्ट हम इसको ट्राई करते हैं सेट करने का। तो ये कुछ इस तरह से सेट हो रही है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, तो जब मैंने ऑर्डर किया था तो डिस्क्रिप्शन में इसका जो हाइट है वो कुछ 9 feet की थी। तो अभी जब मैं इसको ओपन करूंगी तो पता चलेगा एक्चुअली 9 feet है या नहीं है। आई थिंक मुझे इसे लूज करना होगा, तो ये कुछ ऊपर जा रही है। आई थिंक ये तो हो गई। इसमें आपको हाइट सेट करने के लिए दो पार्ट में ये डिवाइड किया गया है, फर्स्ट दिस वन दिस मच,
तो अगर आपको इतना हाइट पे सेट करना है तो यहाँ पे आपको एक स्क्रू दिखेगा जिसकी हेल्प से आप इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। तो क्या होगा, इसमें लूज, ये लूज नहीं होगा और ये हिलेगा नहीं। और नेक्स्ट जो पार्ट है ये वाला है, यहाँ से भी आप इसको एक ऊपर लेके जा सकते हो जिससे आप अपने अकॉर्डिंग आप हाइट सेट कर सकते हो। तो अभी मुझे इतनी बड़ी चाहिए नहीं, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं इसको नीचे लेके आती हूँ और मैं इसको फिर से, यहाँ पर भी एक स्क्रू है जो आप इसको सेट कर सकते हो, तो इससे मैं यहाँ पर अभी इसको सिक्योर कर लूंगी क्योंकि मुझे पूरा फुल हाइट नहीं चाहिए। इसको सिक्योर कर लूंगी, मैं नीचे भी सिक्योर कर लूंगी और ये वाला जो एरिया है ये भी आप इसको भी सिक्योर करना होगा। अगर आप इसको अच्छे से सिक्योर नहीं करेंगे और फिक्स नहीं करेंगे तो ये वाला जो क्या है ये फैलेगा और आपको जब भी आप यहाँ पे ऊपर में फोन या कैमरा सेट कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा लूज फील होगा। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी तो अच्छी नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट ठीक है, ओवरऑल ये प्रोडक्ट ओके है। देन लेट्स सी नेक्स्ट। तो आप जैसा आप देख सकते हो, इसको अगर मैं थोड़ा लूज करती हूँ तो आप यहाँ से इसको अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मुझे अभी हाइट पूरी नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे अभी सिक्योर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको इस स्क्रू की हेल्प से इसको मैं फिक्स कर दूंगी। और नेक्स्ट, मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्क्रू दिखाया था जो मुझे इसकी बॉक्स के साथ मिली है, तो इसमें कुछ इस टाइप की स्क्रू दिख रही होगी आपको। तो ये कुछ इस तरह की स्क्रू है जो यहाँ पे आपको इसके अंदर ऐसे आपको फिक्स करनी है अपने फिंगर की हेल्प से। तो अपनी आप फिंगर की हेल्प से इसको आप इसको फिक्स कर दो यहाँ पे। सी नाउ ये फिक्स हो गई है। उसके बाद हम इसको भी इसके अंदर फिक्स करेंगे। तो इंस्टॉलेशन तो मुझे अभी तक ठीक लग रही है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा देखना होगा कैसे कहाँ पे आपको फिक्स करना है, कहाँ पे आपको सिक्योर करना है, क्योंकि जब तक आप सारी चीजों को अच्छे से सिक्योर नहीं करेंगे ये बहुत लूज फील होगा। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो बट ओवरऑल ये अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे तो अभी तक ठीक लग रही है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो LED लाइट आएगा जिसे मैं अभी तक अनबॉक्स भी नहीं की हूँ, तो मैं इसे अनबॉक्स करती हूँ। तो चलिए उसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमारा LED लाइट कैसा है। तो ये रहा हमारा LED लाइट जो आप देख सकते हो, कुछ हमें इस टाइप की मिली हुई है और इसके अंदर आई कैन सी ये हमारा एक स्टैंड है। तो यहाँ पे हम इस एरिया में हम अपना फोन को स्टैंड कर सकते हैं, अगर आपके पास कैमरा है तो आप कैमरा भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं सर, हम LED लाइट को इसमें कैसे फिक्स करेंगे। चलिए तो अब मैं अपनी इस LED लाइट को भी यहाँ पे फिक्स करती हूँ और देखते हैं हम इसको कैसे फिक्स करते हैं। यहाँ पे तो मुझे एक स्क्रू का ऑप्शन दिख रहा है, तो अगर मैं इसको इसके अंदर फिक्स करने की कोशिश करती हूँ तो आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर, क्योंकि ये मुझे डाउन लग रहा है, इसको स्ट्रेट होना चाहिए था। LED लाइट तो ऐसा स्ट्रेट ही जाएगा, डाउन तो नहीं जाएगा, नहीं तो हमारी वीडियो कैसे बनेगी। तो हियर मुझे लगता है मैंने कुछ गलती की है। तो आप यहाँ पे आई थिंक आई कैन लूज दिस स्क्रू। तो अगर मैं देखती हूँ इसको थोड़ा मैं लूज कर रही हूँ, अगर आप इसको थोड़ा लूज करते हो तो ये मूव हो रहा है। या नाउ इज फिक्स। सो अभी मेरी ये फिक्स हो गई है, सॉरी मैंने उस टाइम कुछ गलती कर दिया था। तो अब मैं अपनी LED लाइट को यहाँ पे इसमें फिक्स करूंगी। तो लेट्स सी, इसको मुझे ऐसे टर्न करते हुए इसको यहाँ पे अच्छे से फिक्स करना है। इसके साथ मेरा वायर भी मिक्स हो रहा है, तो आई गेस इसको मैं सबको अच्छे से फिक्स कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा लूज लग रहा है। Now it's done. So talking about this LED light, when I purchased in my description it was mentioned like I'll get 3 type of color. So let me check whether I have got it or not. अगर मैं इस वायर की बात करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये normal USB cable है जिसे हम directly अपने plug board में नहीं लगा सकते हैं, तो इसके लिए मुझे एक पुरानी charger की जरूरत पड़ेगी। तो let me check that one.
ये रही हमारी पुरानी चार्जर, अभी मैं इसे इसके अंदर इंसर्ट कर लेती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें हमको 3 types की लाइट मिली हुई है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसे एक्चुअली वो है या नहीं। पहले इसमें वायर को थोड़ा सीधा करती हूँ। अगर हम इसकी इस रिमोट की बात करते हैं तो यू कैन सी दिस वन, यहाँ पे आपको स्विच ऑफ स्विच ऑन करने का एक बटन है। देन आपके पास एक माइनस भी दिख रहा होगा जिससे आप अपनी लाइट को डिक्रीज कर सकते हो। ऊपर में एक प्लस का बटन है जिससे आप अपनी लाइट को इंक्रीज कर सकते हो, और ये वाला जो सेकेंड ऑप्शन है इससे आप अपनी लाइट को चेंज कर सकते हो। तो चलिए हम इसको प्लग में लगा के देखते हैं ये कैसे काम कर रही है। तो अभी मैं इसको ऑन करती हूँ, पहले फर्स्ट ऑप्शन जो है उसे चेक करते हैं। सो गाइस इट्स वर्किंग फाइन नाउ। तो ये हमारा ऑन हो चुका है, फिर मैं एक बार ट्राई करती हूँ ऑफ भी हो रहा है या नहीं। या इट्स वर्किंग। सो अगेन मैं इसको ऑन करती हूँ, देन मैं यहां से अपने लाइट को थोड़ा डिक्रीज करने की कोशिश कर रही हूँ। या आप देख सकते हो हमारी लाइट सी कैसे डिक्रीज हो रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लाइट को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो, आपको जितना चाहिए अपने वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से सेट कर लेना उसको। अभी मैं आपके सामने इंक्रीज भी कर देती हूँ, तो ये हमारा लाइट प्रॉपर इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हमारी ये जो लाइट है फुल मैंने इंक्रीज कर दी हुई है, उसके बाद मैं आपको अभी इसको फिर से डिक्रीज करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये मेरी लाइट पूरी डिक्रीज हो गई है। तो डिक्रीजिंग जो लेवल है वो इतना ही है, आप इतना ही डिक्रीज कर सकते हो। फिर से मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ क्योंकि मुझे लाइट चेंज करके भी आपको दिखाना है उसकी कलर। तो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमको 3 types ऑफ कलर मिली है। तो ये जो फर्स्ट कलर है आई गेस ये वार्म येलो है। नेक्स्ट अगर मैं करती हूँ तो ये मुझे व्हाइट लग रही है, ये प्रॉपर व्हाइट कलर है। एंड लास्ट वन ये हमारी येलो कलर है। तो जैसा मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ था वैसा ही मुझे यहाँ पे कलर भी मिला है, और कलर काफी फाइन है। तो कलर के लिए तो एक लाइक बनता ही है, ये मुझे कलर बहुत ही पर्सनली अच्छा लग रहा है। और इसके बाद फाइनली हम ओवरऑल इस प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट मैं इस लाइटिंग की बात करती हूँ एलईडी लाइटिंग की, तो एलईडी लाइटिंग तो फुल 100% मेरे लिए ओके है, ये बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। और डाउन में अगर इस स्टैंड की बात करती हूँ तो ये जो प्रॉपर स्टैंड है इसकी जो क्वालिटी है ये उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए थी, बट अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस यू कैन मैनेज। ऐसा नहीं है से आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, आप मैनेज कर सकते हो। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा से आपको ये अनबॉक्सिंग का वीडियो कैसा लगा। सॉरी गाइज, आई फील टीवी के रिफ्लेक्शन की वजह से और उसकी लाइट की वजह से आई थिंक रिंग लाइट की जो कलर है वो खुल के नहीं आ रही है, तो मैंने जस्ट उसको स्विच ऑफ किया है। और मैं आपको फिर से इसको मैं लाइट चेंज करके दिखा रही हूँ ये लाइट कैसी दिख रही है आपको। तो ये जो मेरी फर्स्ट लाइटिंग है ये हमारी वार्म येलो, नेक्स्ट विल बी व्हाइट कलर, तो ये हमारी प्रॉपर व्हाइट कलर है। और जो लास्ट कलर है ये हमारी येलो कलर है। एक बार मैं फिर से सबको अगेन चेंज कर रही हूँ, वार्म येलो व्हाइट एंड लास्ट वन इज येलो। तो हमारा लाइटिंग भी हो गया है, मैं इसको फिर से व्हाइट पे कर देती हूँ फिक्स। और लास्ट जो हमारा पार्ट यहाँ पे बचा है जहाँ पे हम अपने फोन को सेट कर सकते हैं वीडियो बनाने के लिए, आप यहाँ पे अपना फोन या आपके पास कोई कैमरा है तो आप वहाँ पे कैमरा भी सेट कर दे सकते हो। तो मैं आपको अपना फोन यहाँ पे सेट करके दिखाती हूँ उसको मैं कैसे सेट कर रही हूँ। तो ये मेरा फोन है, तो हम इसको यहाँ पे ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसको एडजस्ट करना होगा अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक वायर के जैसी हमको एक मिली हुई है, ये वायर ही है प्रॉपर।
तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, इसको आप ऐसे ऊपर भी कर सकते हो, इसको आप अपने कैमरा के अकॉर्डिंग या फोन के अकॉर्डिंग इसको आप मूव की भी कर सकते हो। तो सपोज मुझे अपना फोन को एकदम स्ट्रेट रखना है तो मैंने इसको मूव कर दिया है, अगर आपको थोड़ा सा इसको इस साइड मूव करना है तो आप इसको इस साइड अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो। तो मैं इसको अभी अपने मिडिल में रख रही हूँ, तो ये हमारा फोन भी सेट हो गया है। तो यहाँ पे हमारी अनबॉक्सिंग कंप्लीट होती है पूरा ओवरऑल। तो चलिए फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। तो इसे मैंने 634 रुपीज में परचेस की है, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये प्राइस चीप एंड बेस्ट लगा है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। और ओवरऑल इसकी रेटिंग की अगर बात करते हैं तो आई विल गिव 4 out of 5। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।